हसनपुर में सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने किया विरोध प्रदर्शन। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर अमरोहा जनपद के हसनपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के द्वारा कार्यालय पर दिए जलाए गए। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने कोरोना काल में देश की जनता को ताली व थाली बजाकर गुमराह किया है। कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार को ये समझना चाहिए कि देश में इस वक्त कोरोना के साथ ही सबसे बड़ी महामारी बेरोजगारी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर नौजवान और बेरोजगार व उनके परिजनों के घर का अंधेरा दूर करने और सोई सरकार को जगाने के लिए यह पहल की गई है। आरोप लगाया कि सरकार रोजगार देने के बजाय लोगों को जाति व धर्म में बांट रही है। कोरोना काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पूरे देश को गुमराह करने का काम किया। कभी ताली बजाकर, कभी थाली बजाकर जनता को गुमराह किया। ऐसे जैसे थाली बजाने से और ताली बजाने से कोरोना चला जाएगा, लेकिन आज कोरोना के साथ साथ जो कोरोना की महामारी है उससे सबसे ज़्यादा बड़ी अगर कोई महामारी इस देश के अंदर है वो बेरोजगारी है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, जो उनके परिवार हैं, उनसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया कि आइए एक दिया बेरोजगारों की जिंदगी में जो अंधेरा है उसे रोशनी करने के लिए एक दिया रात 9 बजे से 9 मिनट तक जलाकर इस सोती भी सरकार को जगाने का काम दिया जलाकर जो बेरोजगार नौजवान हैं पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जलाने का काम करेंगे। और ये कार्यक्रम आज इसलिए है कि जो सरकार है जो लगातार जात बिरादरी धर्म मजहब के नाम पर गुमराह कर नौजवानों को अंधेरे की तरफ ले जा रही है, ये क्रांति का दिया, ये क्रांति इसलिए है कि इस देश का नौजवान जागे और इन सांप्रदायिक ताकतों से जो देश को जात बिरादरी और धर्म के नाम पर बांटना चाहती हैं इसके लिए इस अंधेरे को हटाए और इस उजाले को इस दिए के जरिए पूरे देश और उत्तर प्रदेश में फैलाकर इस भारतीय जनता पार्टी को इस देश से ख़त्म करने का और सत्ता से बाहर करने का काम करें।